हेलो दोस्तों। तो गाइस ये देखिए, एक ये आया है वाइट कलर का। मैं इस बार पेस्ट, मतलब इसका पेस्टिंग करने के लिए जो ग्लू लेकर के आया हूँ, ये एडहेसिव जो है वाइट कलर का है। तो देखते हैं, इसको खोलते हैं, वाइट कलर का है या फिर मतलब किस तरह से। ये अक्सर होता ये है कि हम वाइट कलर की फ्रेम वगैरह जो रहती है उसमें हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। तो जब फोल्डर लगाते हैं तो आस पास बाउंड्री पर ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो कस्टमर क्या होता है कि झिझकता है। तो अब इसको क्या है, ये तो ब्लैक वाला है, इसको हम यूज अब देखते हैं वाइट वाले को करके, ब्लैक वाले को छोड़ करके। तो देखते हैं ये वाइट कितना वाइट है। तो हाँ दोस्तों, ये वाइट तो बिल्कुल सही है, हल्का सा येलो येलोनेश पे आ रहा है, और बिल्कुल मतलब स्मेल वगैरह तो बिल्कुल इसमें की है, मतलब ठीक ठाक है। थोड़ा आप सूखेगा तो हाँ ठीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, हाथ साफ कर लेता हूँ मेरा। तो गाइज होता यही है कि हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं तो वो बाउंड्री के बाहर चले जाता है। तो ये वाइट वाला आप देख लेते हैं इसको चिपका करके, तो इससे बाउंड्री वगैरह में नहीं आएगा वाइट कलर का। हल्का सा देखिए, वाइट में भी ये थोड़ा सा येलोनेश कलर पे है, मतलब बिल्कुल लाइट। अब हम यहाँ नीचे बाउंड्री पे थोड़ा सा कम लगाएंगे जहाँ डिस्प्ले का पत्ता रहता है, क्योंकि कई मामलों में फ्लेक्स की केबलें गल जाती है। तो यहाँ बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। तो ये फोल्डर आप लगाते हैं जिस भी तरह से, सभी इसी तरह से लगाते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाइट वाला एडहेसिव है, तो अब हम फोल्डर इस पे लगा लेते हैं। होता यही है कि कस्टमर थोड़ा सा झिझक जाता है कि यार भैया ये क्या चीज़ है जो बाहर आ रही है ब्लैक ब्लैक सी। हम ब्लैक पे ब्लैक लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वाइट पे वाइट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं, यदि समझ में आ जाता है ये तो हम हर बार फिर यही यूज़ करेंगे। देखिए फिटिंग वगैरह तो प्रॉपर आ गई है, चिपकाएंगे इसको, रबर वगैरह लगा देंगे। तो यही बस इतना सा वीडियो था छोटा सा, कि आप ये वाइट कलर का जो है एक बार मतलब देखना था मुझे कि किस तरह से ये काम करता है, और इसका मतलब सेम वही रिएक्शन है, यानी हल्का सा ये येलोनेस पे आ रहा है। हो सकता है कि थोड़ा पीछे हमको वाइट मिल जाए, थोड़ा सा फ़र्क है। तो गाइज ये है, मैं आपका मतलब इसका प्राइस की हम बात करें तो प्राइस इसकी गाइस यही इसी के रेट में है। ये 90 रुपये का ही लिया था मैंने, दिल्ली गया था तो वहाँ से मैं लेकर के आया था, तो ये 90 रुपये का है। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, थैंक यू।